टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और लगातार विधानसभा में बेरोजगार के ऊपर लाठीचार्ज और भर्ती घोटालों के यहाँ पर गूंज हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में नकल विरोधी अध्यादेश विधायक आज सदन में पेश होगा। जी हाँ, सरकार ने आज 6 विधायकों को सदन में जो है पेश करेगी। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से नकल विरोधी जो कानून लाया गया था उसका जो अध्यादेश है आज सदन में लाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने देश में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। कानून के जरिए सरकार ने पूरे उत्तराखंड में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता नकल विहीन बनाने के लिए पुख्ता व्यवस्था कर दी है। प्रदेश में युवाओं के साथ न्याय होगा और किसी भी बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ अन्याय वो नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अध्यादेश है 2023 को पेश किया जाएगा। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को भी सदन में यहाँ पर पेश होगा। उसके अलावा सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए धामी सरकार यह अध्यादेश लाई थी। तो आप देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर तमाम और भी यहाँ है। उसके अलावा चार्जशीट दाखिल होने पर परीक्षा से निलंबित भी कर दिया जाएगा और अपशब्द लिखे तो भी यहाँ पर जो है कार्रवाई हुई होगी। उसके अलावा इन परीक्षाओं पर लागू हो गया, यानी कि इन कानून के अंदर लोक सेवा आयोग अधीन सेवा चयन आयोग के मार्फत होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएँ होंगी, यानी कि और जो आयोग की जो परीक्षाएँ होंगी और आयोगों को नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल ये जो दायरा है, इस कानून के दायरे में केवल लोक सेवा आयोग और अधीन सेवा चयन आयोग की जो है भर्तियां आएंगी, बल्कि सरकार ने अनुदान लेने वाले अशासकीय स्कूलों जैसे संस्थाओं की भर्तियां भी इसके दायरे में जो है आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड और उसके अलावा राज्य सरकार के अधीन जो प्रतियोगी संस्था है, निकाय, बोर्ड, निगम के भर्तियों पर भी जो है यह कानून लागू होगा। उसके अलावा 10 साल तक की सज़ा का भी जो है इसमें नियम बनाया गया है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में भर्तियों के बारे में। तो 24 संविदा स्वास्थ्यकर्मी यहाँ से बेरोजगार हो जाएंगे। जी हाँ, विभिन्न जो है सरकारी अस्पतालों में कार्यरत 124 स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ से बेरोजगार हो जाएंगे। संविदा व कार्यरत इन कर्मचारियों को सेवा समाप्त हो गई है। सेवा विस्तार के लिए अब तक कोई भी जो है यहाँ पर पहल नहीं की गई है। तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं सीएमओ पिथौरागढ़ ने क्या कहा है कि जनपद के विभिन्न अस्पतालों में तैनात संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई है। सेवा विस्तार के लिए निदेशालय को पत्र भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद कर्मचारियों को यहाँ पर दोबारा रखा जाएगा। और जो बड़ी खबर है वो इस वक्त की और निकल के सामने आ रही है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर जो है आवेदन की तिथि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। यानी कि जब आवेदन की जो तिथि है अब वो 20 मार्च 12 बजे तक जो है रखी गई है। अगर अभी तक आपने जो अग्निवीर में अप्लाई नहीं किया है तो indianarmy.nic.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये रही आज की बड़ी खबर है। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।